नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स है। ये शख्स युवा है, थोड़ा तेज है, थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन गुस्सा उसका जायज है। और उसका गुस्सा फूटता है उन लोगों पर जो समाज को बिखेरने का काम करते हैं और समाज का लेकर समाज को न देने का काम करते हैं। आज हम बात करेंगे मनीष जोशी, इनको दादा साहब भी लोग कहते हैं, लेकिन दादा साहब कहने का कारण भी हम जानेंगे इस सीधी बात के कार्यक्रम में। हम ये भी जानेंगे कि आखिर समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने पदार्पण क्यों किया, और स्वाभिमान संगठन नाम के एक संगठन है, इस संगठन के ये प्रदेश प्रमुख हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष कह सकते हैं इनको। महाराष्ट्र में अधिकतर प्रदेश प्रमुख शब्द का प्रयोग होता है। इस समय मनीष जोशी ने एक बीड़ा उठाया है यहाँ के लोगों की आवाज़ का बुलंद करना, यहाँ की आवाज़ को जो दबी है उसको उठाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बातचीत में उनसे वो खुलासे कराएंगे जो खुलासे धरातल पर कई बार नहीं देखने को मिले, कई बार वो खुलासे नहीं होते देखे गए हैं। आज मनीष जोशी खोलेंगे उन सब की पोल जिन्होंने अब तक विकास के नाम पर वोट तो लिया है लेकिन विकास करके नहीं दिखाया। उस सारे सच के साथ ही सीधी बात कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले देखिए छोटा सा क्लिप। इस क्लिप में आप इनके राजनीतिक और सामाजिक समर्पण, अर्पण और अब तक के काम समझ जाएंगे। आप जान जाएंगे कि मनीष जोशी आखिर है क्या चीज। बस थोड़ी देर में फिर हाजिर होते हैं सीधी बात कार्यक्रम में मेरे साथ, बस थोड़ी देर। सच के साहस के साथ राजनीति में उतरे और समाज सेवा के माध्यम से अपनी लोकप्रियता हासिल करने वाले, समय समय पर उन लोगों की आवाज को मोर्चा और आंदोलन में तब्दील करने वाले, और जिन युवाओं को ऐसा लगता है कि वो असहाय हैं, उनको सहारे की ज़रूरत है, तो उनका सहारा बनकर एक व्यक्ति उभर कर सामने आया है और उसका नाम है स्वाभिमान संगठन, एक सामाजिक संगठन के महाराष्ट्र प्रमुख मनीष जोशी। मनीष जोशी ने जिस प्रकार से अपनी राजनीतिक और समाज सेविक क्षेत्र में अपने आप को पदार्पित कर दिया है और विराजित कर दिया है, जिस प्रकार से अपने काम और अपने कार्यों के माध्यम से जनता की आइडियल बनते जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से विचार और प्रशंसनीय है। आइए हम आज बातचीत करेंगे मनीष जोशी से, लेकिन एक बात जान लीजिए कि नाला सोपारा और वसई के विकास को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी परेशान हैं, और कहीं ना कहीं उस परेशानी की के कारण पर भी जा रहे हैं, और जैसे जैसे कारण सामने आ रहे हैं उसे मीडिया के सामने और जनता के सामने खुलासे के साथ रख भी रहे हैं। आज ऐसे ही खुलासे के साथ में 29 साल की राजनीति विराजित करने वाले एक ऐसे शख्सियत पर ऐसे खुलासे करने जा रहे हैं जिस खुलासे को जानकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे। इस पूरे इंटरव्यू में देखिए कि आखिर किस प्रकार से बहुजन विकास अघाड़ी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक और वर्तमान विधायक नाला सोपारा के उन पर किस प्रकार से कटाक्ष कर रहे हैं, किस प्रकार से तर्क रख रहे हैं और किस प्रकार से नए खुलासे कर रहे हैं मनीष जोशी। आइए मुलाकात करते हैं सीधी बात के इस कार्यक्रम में मनीष जोशी से। नमस्कार, हाजिर हैं सीधी बात के कार्यक्रम में। अभी थोड़ी देर पहले आपने मनीष जोशी का एक क्लिप देखा। इस क्लिप में आप मनीष जोशी के विषय में समझ चुके होंगे, आखिर आप जान चुके होंगे कि ये किस तरह का व्यक्तित्व है। आइए हम बातचीत करते हैं इनसे राजनीतिक इनके समर्पण पर। हमारे साथ उपस्थित हैं मनीष जोशी, आइए हम सीधी बात के कार्यक्रम में उनसे मुलाकात और बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। होता क्या है, अक्सर राजनीति में उतरने वाले लोग और खासकर समाज सेवा में उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। वो चाहते हैं कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में उतर कर फिर राजनीति में पग उतर कर फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो सत्ता के लिए लोभित हो जाते हैं, वो सत्ता उनको चाहिए, ऐसा वो काम करते रहते हैं। जब आप उतरे समाज सेवा के क्षेत्र में, स्वाभिमान संगठन के प्रमुख प्रदेश के हैं आप, ये सब ताना बाना बनाया क्या इसलिए कि पद प्रतिष्ठा लोभ लालच मंच माला तालियां मिले, समाज सेवा नहीं, आखिर क्यों ये सब क्यों उतरे थे आप इस क्षेत्र में? मैं लोगों का भला करने के लिए इस क्षेत्र में उतरा हूँ, लोगों को न्याय मिले, लोगों का काम हुए। जो वसई विरार में है, जो एक हाथी सत्ता है, वो सत्ता में किसी दूसरे, आप जाइए दूसरे कुछ किसी के पास तो काम होगा नहीं, सिर्फ आप हितेंद्र ठाकुर जी के पास जाएंगे, क्षितिज ठाकुर जी के पास जाएंगे या इनके नगर सेवक के पास जाएंगे तो ही काम होगा। तो ये चीज़ गलत है। किसी भी प्रदेश में या किसी भी जिले में अपोजिशन होना जरूरी है, एक हाथ अगर रहेगा तो पब्लिक का उसमें काम होता नहीं है। पब्लिक का काम ऐसे ही माए बाप करके काम करना पड़ता है। इसीलिए मैं जब ये सोचा, मैं 13-14 साल पहले, कि ये तो मैं खुद फिर इस पॉलिटिक्स में नहीं मगर सोशल वर्क के लिए मैं उतरा यहाँ पे। और आज आप वसई सोपारा विभाग मेरा नाम पूछ लीजिए, किस तरह से मैं काम करता हूँ पब्लिक का। रात को 2 बजे आप मुझे फोन करो, मैं 2:05 को वहां पे मिलूंगा, 2:10 को वहां पे मिलूंगा। मैं रात दिन देखी नहीं है, मैंने हर जगह मोर्चे लिए सिर्फ पब्लिक के सपोर्टिंग में।
हर जगह मोर्चे लिए, पोल्यूशन में मोर्चे लिए, मैं पुलिस के खिलाफ में भी गया, पुलिस ने मुझे बहुत सहकार्य भी दिए, मैं जहाँ मुझे लगा पुलिस गलत है वहाँ मैं पुलिस के अपोज में भी मोर्चे लिए। मैंने आपका स्वाभिमान जो संगठन है उसके प्रमुख जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस में मंत्री रहे, इस समय भी कांग्रेस में हैं, उनके पुत्र इस समय खासदार हैं, आमदार है, माफ करिएगा, उन्होंने जिस तरीके से उस संगठन को कांग्रेस बी टीम के रूप में काम कर रही है, क्या आप मानते हैं, आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के रूप से दूर, कांग्रेस तो छोड़ो कोई पक्ष हमारा, हमारे नीतीश राणे साहब का कोई दूर तक स्वाभिमान से लेन देन नहीं किसी का। स्वाभिमान संगठन हमारे जो आदर्श स्तंभ है, हमारे नीतीश जी राणे साहब उनके मार्गदर्शन के खिलाफ हम महाराष्ट्र में हम जितने प्रमुख पदाधिकारी वो हर जगह जा जाके हमने लोगों का काम कर करके स्वाभिमान संगठन हमने बढ़ाई है सर। नहीं तो यहाँ कांग्रेस का कोई हाथ नहीं, कांग्रेस का तो इधर नामो निशान नहीं है, एक एक आमदार खड़ा करते 1000-1200 मत मिलते हैं, अगर मैं मेरे कार्यकर्ताओं को खड़ा करूंगा तो 10,000 मत ले गए नगर सेवक में। आप कांग्रेस को कह रहे हैं ये बात? मैं कांग्रेस को कह रहा हूँ ना, कांग्रेस का नामो निशान यहाँ पे वस्त्र विरार में नहीं, क्योंकि कांग्रेस पूरी मैनेज हितेंद्र ठाकुर जी को ही थी, कांग्रेस पैदा हितेंद्र ठाकुर जी ने यहाँ पे की, हितेंद्र जी ठाकुर बोलेगा वही कांग्रेस होती है यहाँ पे। आपके हिसाब से क्या आपको लगता नहीं है कांग्रेस अच्छी नहीं है, भाजपा ठीक है नहीं, शिवसेना ठीक है नहीं, स्वाभिमान दूत की धूली है, बाकी सब खराब? स्वाभिमान दूत की धूली नहीं है, क्योंकि अभी तक स्वाभिमान ने कोई नगर सेवक खड़े नहीं किए कि इन्होंने आमदनी में खड़े रही है, वो सिर्फ सोशल वर्क ही खड़ा किया है। अगर स्वाभिमान धारेगी यहाँ से 8-10 नगर सेवक जीत के लेके आ सकती है, इतनी ताकत मनीष जोशी में और स्वाभिमान संगठन में है, वो हर पार्टी को यहाँ पता है लोकल पार्टी में, पर मैं आज तक कभी मैं गया नहीं कोई पार्टी में, हितेंद्र जी ठाकुर को मैंने हर टाइम सपोर्ट दिए, हितेंद्र जी ठाकुर भी बोलेंगे मगर अभी मैं इनके खिलाफ मैं इसलिए गया कि उन्होंने मेरे मंदिर तोड़े विरार में, साईं बाबा का मंदिर तोड़ा, मेरा शंकर भगवान का मंदिर तोड़ा, आज वो विकास पुरुष है, यहाँ के लोक नेता है, तो जब मंदिर तोड़े उन्हें रुकाना चाहिए था ना, वो बोलेगे अनधिकृत है, अनधिकृत तो वो दिखा दो 70-80 सब मंदिर है, यही मंदिर क्यों तोड़ना, और ठीक है अगर मंदिर तोड़ दो उसके बाजू में उनके ही कजिन की बिल्डिंग है वो तोड़ो पहले फिर मेरे मंदिर तोड़ो। मेरा मंदिर तोड़ने का कारण क्या है, एने प्लॉट है 7 मीटर के बाहर मेरा मंदिर है, सिर्फ एक जीत के वजह से, उनके नगर सेवक की जीत, उनकी खुद की जीत के वजह से मेरा मंदिर तोड़ा, इसलिए मैं उनके साथ में नहीं हूं अभी। आप एक बार एक समय था जब हितेंद्र ठाकुर के साथ आप चलते थे, उनको चुनाव में लड़ाते थे, लड़ाते का मतलब उनको उनके लिए वोट बटोरने का काम, उनको उनके वोट मांगते थे, लेकिन अब अचानक ऐसा मंदिर को ही लेकर या उससे पहले भी कभी अचानक कैसे क्या हो गया, कुछ बातें बताएं। जब मैं कभी इनके नेगेटिव में कभी गया नहीं था, मैं कभी भी उनका पॉजिटिव सोचा, जब मैं एक के साथ हूँ कि काम कर रहे तो हम लोग भी काम करें, मेरा कभी कोई भी काम बोला तो उन्होंने कभी रोका नहीं, पहले हम लोग का काम दिया, मगर जब मंदिर तोड़ा, जब मैं उनके बारे में डीप में सोचा और जब मैं डीप में गया कि क्या क्या घोटाले, 18 नगर सेवक के पेपर है मेरे पास जो अनधिकृत गए, जो डिस्क्वालीफाइड हो गए सब, मैं बैठूंगा पेपर लेके, उसमें 10 तो इतने बड़े माते है कि वो लोग पूरी वसई विरार नहीं पूरी महाराष्ट्र चल जाएगी, मैं बैठूंगा वो सब पेपर लेके बैठूंगा यहाँ पे, मैं सब पेपर मंगा रहा, उसमें 18 जन के नगर सेवक के उनके पेपर हमारे हाथ में आए। उसके नाम बता दीजिए। नाम अभी नहीं, तो नाम का भी बताऊंगा तो बाद में मजा नहीं आएगी, मैं जब लूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और नाम वहां पे हम लोग डिले करेंगे। साई मित्र मंडल करके हमारी मित्र मंडल की संस्था है विरार की, वो पूरे हमारी 11 जन की टीम है, वो 11 जन की टीम हम लोग बैठेंगे और सबके नाम ओपन करेंगे, तब धरती हिलेगी वैसे विरार की, कितने बड़े बड़े इधर ग्राउंड पर फर्श की सीसी लेते और बाकी के ऊपर का हमारे हिल निकल टोकते और रजिस्टर करते जी। ये विकास है, सुनो मेरी बात, पूरी वैसे विरार बोले तो हमारे ग्रीनरी का पूरा ग्रीनरी अगर कोई बोलेगा तो वैसे विरार था हमारा पूरा ग्रीन था, आज उनके अंडर में आज 28 साल से वैसे विरार महानगर पालिका है, बाद में महानगर पालिका वो अंदर है, क्यों सब कहाँ गए, तालाब खोद दिए, तालाब के ऊपर अनेक बिल्डिंग हो गई, जितनी ग्रीनरी झाड़ काट दिए, पेड़ काट दिए, पेड़ के ऊपर अनेक बिल्डिंग हो गई, बाद में फिर जब तोड़ने हो तो कोई फोन नहीं उठा रहे, आम आदमी बेचारे अपने दागिने बेच के वहां फ्लैट लेते दुकान लेते या घर लेते और वो घर लेने के बाद टूट जाता है तो बेचारे आम आदमी जाएगा कहाँ, उनकी हाई लगेगी, जिसने भी ये किया उसकी हाई लगेगी, ये समझे आप। सवाल यहाँ पर ये है, इतने साल अगर विकास नहीं कराए और जिस तरह के मुद्दे आपने गिनाए कि बिल्डिंगों को बनाने में गफला, नगर पालिका में रहते हुए गफला आपने गिनाए, तो सवाल ये है, सुनो हर घोटाले में बोलता था आपको सर, कचरे में सबसे बड़ा घोटाला है, आप देख लो चेक कर लो कचरे, और 3000 आदमी का सैलरी लेते 500 आदमी वर्क कर रहे, टॉयलेट दिखा रहे 25-20 जगह पे एक टॉयलेट है, आप देखो मीडिया आप जाके चेक करो, मैंने तो चेक किया हूं सर, ये क्या है, ये घोटाले तो क्या है,
ग्रेनेड में घोटाले, पूरा पानी भर गया था साहब। जो आज बारिश में अगर सबसे पूरे अगर इंडिया में पानी भरा रहेगा ना, अब देखा रहेगा ना, तो नाला सोपार में भरा था साहब, बाद में विरार में भरा था। ये आपने ग्रेनेज लेंगे बारिश के पहले, पैसे तो सब निकाल दिए, ग्रेनेज के पैसे तो खर्चा निकाल दे, फिर पानी क्यों भरा? मैं समझ सकता हूँ साहब कि पानी बहुत बारिश था ये बार, मगर तू मोटर क्यों नहीं लगाए? मोटर जब हर जगह पानी भरते है तो आप मुंबई महानगर पालिका में जाए, पानी भरे तो वहां पे मोटर चालू तो कर, फिर बाद में अगर पानी भरा तो अपन बोल सकते हैं कि ये कुदरती है। मैं तो मोटर नहीं लगा दे, एक नगर जो इनका फिरा नहीं, बाद में सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए चंडी पे आते दिखाते फोटो गिराते फेसबुक पे डालते हो गया, पर पानी तो वहां पे ही रहता है। सवाल यहाँ पर ये है कि इतने वर्षों से अगर जमीन पर काम नहीं किया तो लगातार विधायक बनना कैसे, इसका क्या सच है? इनका सच है कि यहाँ अपोजिशन ही कोई नहीं है, कांग्रेस तो इनकी, ये पार्टी तो इनकी, अपोजिशन कभी पैदा ही नहीं हुआ साहब यहाँ पे। भाजपा से पिछली बार लड़े थे काफी कायदे से और 60,000 के करीब वोट भी पाए थे, तो कहाँ से अपोजिशन नहीं है? अरे वो लड़ने के लिए लड़ते, दिखाने के लिए, अंदर से तो हमें मालूम है ना, जब मैं उनके साथ था तो अंदर से सब उनको ही मदद करते हैं, डर के हिसाब से, और क्या। चुनाव में आपको ऐसा लगता है या चुनाव उनके लड़ने का तरीका ये है कि अपोजिशन जानबूझ के वो खड़े करते हैं और वो उनके पक्ष में वोट, ये क्या लगता है, इसका कोई सबूत है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नाम भी वही देते हैं दूसरी पार्टी में, इनको टिकट दो, इतनी उनकी है ताकत है, वो ताकत वाले। इस ताकत के आगे आप क्यों नहीं झुकते? मैं क्योंकि मेरा मंदिर क्यों तोड़ा, मेरा मंदिर तोड़ा, मुझे डर ही नहीं कोई चीज का, मैं कफन बांध के निकला हूं, मेरे को डर नहीं किस चीज का। जब मौत आएगी तो मौत आएगी, किसी से मैं डरता नहीं हूँ, गलत है वो गलत है। अच्छा मनीष जी, बात तो चलो आपकी बात है, जो आपने कहा इसका इसका इसको ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि अगर उन्होंने ठीक ढंग से काम नहीं किए तो मनीष जोशी ने कभी आंदोलन का रुख क्यों नहीं अपनाया, मोर्चे का रुख क्यों नहीं अपनाया, सड़क पे क्यों नहीं उतरे आप? सड़क पे मैं उतरा हूँ ना, जैसे कौन कौन से आंदोलन किए? आंदोलन में महाराष्ट्र संघट हूँ, मैंने अभी तक मैं इनके साथ में था, मेरा मंदिर तोड़ा। आज ये किस सन से आप इनके साथ में नहीं? मंदिर तोड़ा इसलिए सन, मैं एक साल भी नहीं हुआ, मुझे एक साल होगा अभी मैक्सिमम, एक साल से मैं उनके विरोध में काम कर रहा हूँ, आप चेक करिए महानगर में मैंने लेटर डाले। एक साल से कितने आंदोलन आपने कर दिए? अभी अभी मौका हो अभी आंदोलन करूंगा, क्योंकि मुझे आम पब्लिक में जाना था, मैंने उनके जो गलत काम किया मैं आम पब्लिक में सब जगह लेके गया, तो मुझे पब्लिक मेरे को सपोर्ट में आएगी ना, अभी पब्लिक मेरी सपोर्ट में आई है, सबको ये बात समझी कि सिर्फ ये विकास नहीं हुआ है, सिर्फ ऑन पेपर विकास है, ऐसा विकास नहीं है सब। चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा बात कर लेते हैं, जहां नाला सोपारा के विधायक की बात आती है, युवा कहे जाते हैं और उनके लिए कहा जाता है कि मल्टी टैलेंटेड हैं, उन्होंने यहाँ पर कई सारे विकास कार्य ऐसे कराए जो धरातल पर, सड़क के बनवाना, कई सारी यातायात की व्यवस्था करवाना, उन्होंने शौचालय की व्यवस्था कराना, स्वास्थ्य की व्यवस्था कराना, इस पर इनके वर्तमान नगर सेवकों के बयान हैं हमारे पास, जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं कि विकास कराए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो अगर कोई आम व्यक्ति भी उनके कार्यालय जाता है तो हितेंद्र ठाकुर या उनके पुत्र से मुलाकात हो पाती है, तो इन सब चीज़ों के अलावा जनता को चाहिए क्या, इस पर आपका क्या कहना है? मुलाकात कैसी होती है, मिलते हैं सब, आप भी एक बार एक आदमी बन के, आम आदमी बन के आप जाइए उनके वहाँ पे, जाएंगे आप तो क्या करेंगे, कौन से वार्ड से आप आए, 36 नंबर वार्ड से, 36 नगर वार्ड के नगर सेवक को फोन करेंगे, इसका क्या है वो पटा दे, और वहां से नगर सेवक क्या काम करते हैं ना वो आप चेक कर लेंगे सब, आप एक बार खुद जाके आइए, कुछ काम विकास हुआ नहीं है। मुझे आम पब्लिक को पूछे, आपने कभी यहाँ का लोकल अंदर को देखा है वार्ड में, सिर्फ फंक्शन में आए, डे एंडी में आए, जन्माष्टमी में आए, किसी काम के लिए कभी आए हो आप? आम आदमी को पूछिए ना, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। मुझे तो नहीं दिखाई दिया कहाँ पे, आज 4 साल हुए मुझे नहीं दिखाया गया, मुझे बताओ ना कहाँ पे। भ्रष्टाचार के इतने आरोप जो आपने लगाए हैं, क्या आपके हिसाब से विपक्ष में भाजपा है, विपक्ष में कांग्रेस है, हालांकि आप कह रहे हैं उन्हीं के आदमी है, लेकिन फिर भी सवाल ये है, क्या उनको दिखाई नहीं देते? क्या वर्तमान कमिश्नर चूंकि बैठता है नगर पालिका में, कमिश्नरेट या प्रशासन को दिखाई नहीं देता? उसके ऊपर बहुजन विकास अघाड़ी वसई विरार तक सीमित है, उसके ऊपर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में चाहती होगी कि मजबूत हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत में इतनी सारी लीगल प्रशासनिक जांच एजेंसियां हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि उन्होंने घोटाला किया और वो किसी को नहीं दिखता, सिर्फ आपको दिखता है? सब पार्टी उनसे मिली हुई है, मैं हर पार्टी के ऊपर आरोप देता हूँ, हर पार्टी हितेंद्र जी ठाकुर के साथ मिली हुई है, हितेंद्र जी ठाकुर जो बोलेगा वही वसई विरार में दूसरी पार्टी करते हैं, और अभी
अभी बताऊं तो मैं भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र, वो आज उनके अपोज में काम कर रहे हैं। उन्होंने सब जांच की, अभी सब इंक्वायरी करने के लिए मैं खुद मुख्यमंत्री सबको मिला था, पूरी टीम हमारी मिली थी, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। और अभी सब घोटाले से बाहर आएंगे ना, अब सब घोटाले बाहर आएंगे जी। मतलब आपको लगता है कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में तो अभी कोई व्यक्ति जीता नहीं बहुजन विकास अघाड़ी का, क्या आपको लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में आप जीतने नहीं देंगे, या जीतने नहीं देंगे तो क्या प्लानिंग है आपकी? मैं 100% हमारी जो पूरी टीम है, जो 11 जन की हमारी टीम है, वो हम जीतने नहीं देंगे नालासोपारा विधानसभा में। अगर मान लिया ऐसा कोई कैंडिडेट सामने नहीं आता है जो उनका मुकाबला कर पाए, क्योंकि आप अभी कह रहे थे सभी लोग मिले हुए, उस दौरान क्या मनीष जोशी मैदान पे उतरेगा? 100% उतरूंगा, इनको गिराने के लिए मैं उतरूंगा, 100% उतरने वाला हूँ। क्योंकि मुझे कैसे, जब तक ये हारेंगे नहीं तब तक जो घोटाले वो बंद नहीं हो गए, इसलिए मैं 100% में उतरूंगा। अगर कोई नहीं मिला तो, अगर कोई मिला उसके बाजू में मनीष जोशी खड़ा रहेगा, उसके हाथ बन के, दोनों हाथ बन के, और पूरी टीम हमारी खड़ी रहेगी हर तरीके से, तन मन तन मन धन। अगला सवाल मेरा आपसे, क्या विकास कराना चाहते हैं आप, क्या सोचा है आपने कि आई हैव टू डू दिस फॉर नालासोपारा पीपल्स, उनके लिए क्या करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं सड़क नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी, उसको बनाना चाहते हैं, क्या क्या सोचा है आपने? पहले तो यहाँ की जो घर पट्टी है, घर पट्टी में कम करूंगा। जो घर पट्टी आप देखिए, इतनी घर पट्टी बढ़ा ली और इतनी दादागिरी वो लोग गरीब लोग के ऊपर कर, घर पट्टी नहीं भरी, तो पहला मैं घर पट्टी इनका कम कराऊंगा। दूसरी जो पानी का विषय है, पानी का विषय में लोग बोलते हैं पानी आ गया, अभी तक कहाँ पानी आया नहीं, तो पानी के विषय में जोर करूंगा मैं पूरा। रस्ते में तो आप देखिए, बारिश में ग्रेनेज में जो घोटाले के हिसाब से क्या करते हैं ये लोग, ग्रेनेज में बिल बनाते छः फुट का रहेगा, 3 फुट मारते खड्डा बन के खत्म कर डालते पाइप ये करके, तो वो सब घोटाले बंद हो गए, करप्शन बंद होगा तो ऑटोमेटिक विकास होगा, क्यों नहीं होगा विकास? आप यही ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जीतने के लिए मनीष जोशी ऐसा व्यक्तित्व चाहिए, या तो मनीष जोशी खुद मैदान में चाहिए? अगर मनीष जोशी मैदान पे उतरेंगे तो कांग्रेस के साथ टिकट लेने के लिए आगे बढ़ेंगे या भाजपा के साथ? मैं मैक्सिमम मेरे जो साथ वाले जो हमारी टीम है, हम लोग टीम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ने सोचा कि हम अपक्ष ही लड़ेंगे, और सब पार्टी के जो कार्यकर्ता, भले पार्टी नहीं आएगी ना, नीचे कार्यकर्ता तो है ना जो हमारे साथ जुड़े हुए, कार्यकर्ता को लेकर मैं अपक्ष खड़ा रहूंगा। और अभी ऐसा लगे कि उससे मेरी जीत नहीं हो रही, कि मुझे क्या पे वोटिंग इनके डर से कुछ होता रहेगा कि और मुझे चाहिए, तो मेरी 2-3 जगह से बात चालू है, होगा तो हम लोग साथ में करेंगे, यानी गिराने के लिए, सिर्फ इनको गिराने के लिए, बाकी नहीं। यानी हम ये माने कि आने वाले समय में मनीष जोशी हो सकता है किसी दल का हाथ भी थाम ले, चाहे वो इस समय स्वाभिमान संगठन के प्रमुख नाराज ही क्यों ना हो गए। नहीं, नाराज के लिए मेरे साथ जो, मैं भी जो निर्णय लूंगा वो मेरे साथ रहेंगे। यानी आप मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाह के निर्णय, सलाह तो होगी ना उनसे बात भी, नहीं तो मैं पानी भी नहीं पीता। अच्छा, हाँ, मेरे और मेरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे अच्छे मित्र भी है, और अच्छे मेरे भाई भी है, जो हमें आज तक 12 साल से मुझे कभी रोका नहीं हुआ काम के लिए। और मेरी जो टीम है पूरी जिला की, सबसे मैं मीटिंग करके मैं निर्णय लूंगा, अकेला मैं निर्णय नहीं लूंगा ये चीज का। अच्छा, आप कहते हैं कि वो दबंग हैं, आप कहते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, आप कहते हैं कि उन्होंने अपना एक आधिपत्य स्थापित कर रखा है। उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उनके आदमियों ने भ्रष्टाचार किया, और उनके आदमी उतनी लगाम और लगाम उन्हें रोका ही नहीं उनके। अच्छा, जो क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, देखिए आपने ये आरोप लगाया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, आपको दादा साहब लोग कहते हैं तो ये शब्द का प्रयोग क्यों, डराने के लिए या उनका मन है इसलिए? उसका मन मेरे साथ है, उनका तन मेरे साथ है, इसलिए वो प्यार से बोलते हैं। और दादा बोले तो मराठी में बड़ा भाई, तो दादागिरी नहीं है, दादा साहब बोले तो प्यार से बोलते हैं और कुछ नहीं, वो प्यार है, एक प्यार। आप नहीं दबंगई करेंगे? हम दबंगगिरी नहीं, दबंग को दबाएंगे, हम दबंगगिरी हम नहीं करेंगे, जहां दबंग होगा, जहां अन्याय होगा उसको हम रुकेंगे। स्वच्छ भारत अभियान कितना धरातल पर आया? यहाँ स्वच्छ भारत अभियान में सिर्फ प्राइज मिले, और आप जाएंगे देखेंगे तो स्वच्छ अभियान वैसे वीरा सुपर में ही नहीं, अस्वच्छ अभियान है। नरेंद्र मोदी का पूरा, नरेंद्र मोदी जी का अपने प्रधानमंत्री का सपना है ना, अगर सबसे अगर तड़का अगर हुआ रहेगा ना तो नालासोपारा विहार में हुआ है। विकास के लिए क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में फिर से आ सकती है विकास के नाम पर? विकास के नाम पर तो मुझे अभी एक बार लग रहा है कि नहीं आ सकती है, क्योंकि जो हिसाब से पब्लिक नाराज है उनके तरफ, GST नोटबंदी, वो हिसाब से मुझे बहुत डाउट, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आप खुश हैं कि नहीं भाजपा से?
मैं तो हर पार्टी से खुश हूँ, जो मेरे साथ हो मैं हर से खुश हूँ। भाजपा आपके साथ है। जो मेरे साथ को अभी मैं भाजपा के साथ नहीं हूँ, मैं देवेंद्र फडणवीस जी के सबके साथ में हूँ कि उन्होंने जब मेरा मंदिर का टूटा था उन्होंने हमें हेल्प की, हर चीज में मुझे हेल्प की है जी। इसलिए आप ये मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर हो सकता है भाजपा फिर से आ जाए? आ सकती है, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर आ सकती है, उन्होंने काम है। और मैं एक भी बता, मुझे शिवसेना ने भी सपोर्ट की, मुझे कांग्रेस वाले ने भी सपोर्ट की मंदिर के लिए, मुझे हर पक्ष ने सपोर्ट की है, मेरे साहब ने भी, राणे साहब ने भी हमें सपोर्ट दिया है, हर लोग ने हमें सपोर्ट दिया है। लेकिन हितेन ठाकुर ने, हितेन ठाकुर ने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया, हमारा मंदिर तोड़ा है, इसलिए तो मैं विरोध में हूँ ना उनके। जब मंदिर तोड़ना, 75 साल जूना शंकर भगवान का मंदिर तोड़ा साहब, आप सोचो आज 25 साल 28 साल जूना साई बाबा का मंदिर तोड़ा, वापस हमने किया ना, विकसित किया, वापस हम लोग ने मंदिर बनाया। अभी जैसे भी हम लोग के ऊपर से लेके जाइए तब वो मंदिर टूटेगा। एक आखिरी सवाल, एक संदेश आपकी तरफ से युवाओं के लिए, स्वाभिमान संगठन के आप प्रदेश प्रमुख हैं, आपकी तरफ से कोई ऐसी बात जो जनता या समाज या युवा जब सुने और जाने तो उनको लगे कि हाँ मनीष ने ये बात कही थी, उसे जानना चाहिए, मानना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा कोई संदेश? मेरा संदेश युवाओं से ये है, किसी भी चीज से डरिए मत, किसी भी चीज, कोई भी आए, कोई पॉलिटिशियन आए या भाई लोग आए या कोई भी आए, डरना नहीं, काम करते रहो, बढ़ते रहो। और बेटी बचाओ जी, और बेटी बचाओ के जो अपना स्लोगन है वो बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेडीज लुक के लिए आगे बढ़िए, अपनी ताकत ही अपनी लेडीज है, अपनी बहन बेटी माँ वही हमारी ताकत है, ये मेरा संदेश है। डरो मत और सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो, बस ये मेरा। थैंक यू। लगभग सारी बातें हुई और सारी बात में एक बात तो स्पष्ट है कि मनीष जोशी अपने पूरे गरम दल के साथ में उतर चुके हैं मैदान में उन लोगों के खिलाफ जो 29 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये बात कहाँ तक जायज हो और ये कितना सच है, ये तो है जांच का विषय, और जांच होने पर ये बात मालूम पड़ेगी कितने आरोप सच हैं और कितने आरोप झूठ। लेकिन अभी साफ इतनी बात है कि मनीष जोशी अपने पूरे दलबल के साथ में आने वाले भविष्य में विधानसभा चुनाव में यहाँ पर स्थापित और यहाँ पर विराजित इस समय की राजनीति पर हावी होने का अपना मन बना रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी ऐसे गर्म और ऐसे जोशीले युवा के साथ, कल फिर मिलेंगे। मैं सचिन दीक्षित आज विदा लेता हूं, धन्यवाद।